सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। तो आज हम लेकर आ चुके हैं आपके लिए एनिमल वर्सेस एनिमल कंपैरिजन। तो आज हम कंपैरिजन करने वाले हैं बेबीरूसा वर्सेस वाइल्ड बोर का। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, थोड़ा सा स्किप मत कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें। तो सबसे पहले बात करते हैं बेबीरूसा की। तो बेबीरूसा ज़्यादातर इंडोनेशिया में ही पाए जाते हैं। और बात करें इनके लाइफ स्पैन की, तो इनका लाइफ स्पैन लगभग 25 साल तक का हो सकता है। और इनकी ऑलमोस्ट 10,000 इंडिविजुअल्स बाकी रह गई हैं। और बात करें इनके साइंटिफिक नेम की, तो इनका साइंटिफिक नेम होता है बेबीरूसा। और बात करें इनके साइज की, तो इनकी लेंथ लगभग 1 मीटर तक और हाइट 70 सेंटीमीटर तक हो सकती है। और बात करें इनके वजन की, तो इनका वजन लगभग 100 किलो तक का हो सकता है। और ये आसानी से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकते हैं। तो अब हम जान लेते हैं वाइल्ड बोर के बारे में। तो वाइल्ड बोर ज़्यादातर यूरोप, अफ्रीका, इंडिया और चाइना में ही पाए जाते हैं। और इनका लाइफ स्पैन लगभग 15 साल तक का हो सकता है। और इनकी ऑलमोस्ट 60 लाख इंडिविजुअल्स बाकी रह गई हैं। और बात करें इनके साइंटिफिक नेम की, तो इनका साइंटिफिक नेम होता है सस स्क्रोफा। बात करें इनके साइज की, तो इनकी लेंथ 2 मीटर तक और हाइट 1.2 मीटर तक हो सकती है। और बात करें इनके वजन की, तो इनका वजन लगभग 120 किलो तक का हो सकता है। और ये आसानी से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकते हैं। तो अब हम जान लेते हैं कि बेबीरूसा और वाइल्ड बोर में कौन ज़्यादा पावरफुल है। तो बेबीरूसा की स्पीड वाइल्ड बोर से काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन वाइल्ड बोर साइज में बेबीरूसा से काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। तो मेरे हिसाब से वाइल्ड बोर के पास 60% चांस है इस लड़ाई को जीतने का। तो आपको क्या लगता है, अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं। तो हमारा विनर है वाइल्ड बोर। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें और हमें कमेंट में जरूर बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।